नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करूंगा हाइपरसोनिक वेपन्स के बारे में। तो ये हाइपरसोनिक वेपन्स जो हैं अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। तो इनकी जो स्पीड होती है वो मैक 5 या उससे ऊपर होती है, और मैक 5 का मतलब होता है 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो कई सारे देश जो है इस पर काम कर रहे हैं, जिनमें कि चार टॉप देशों की बात करें तो US हो जाता है, चाइना हो जाता है, रशिया हो जाता है और साथ में भारत हो जाता है। इनमें से अगर हम बात करें तो रशिया और चाइना ने जो है अब तक सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, और भारत जो है अभी इनिशियल स्टेजेस में है। अब ये हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने के लिए जो है कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये नॉर्मल वेपन से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो कि हाइपरसोनिक वेपन के सामने आता है वो है टेम्परेचर। तो हाइपरसोनिक वेपन्स, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है तो एटमॉस्फेयर का, एयर का जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और ये हीट जो है हज़ारों डिग्रीज़ में जा सकती है। और इतनी हज़ारों डिग्री की जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसी डिवाइस में ही आग लग जाती है। इसीलिए जो है सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप करने के लिए, वो ये कि पहले आप ऐसा मटेरियल बनाएं जो कि हज़ारों डिग्री के टेम्परेचर को बियर कर सके, उसमें जो है वो जले ना। तो कई ऐसे स्पेस शटल जो है बने हुए हैं जो कि मॉक 5 की स्पीड यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड पर जा सकते हैं, लेकिन ये हाइपरसोनिक स्पीड पर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही चलाए जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा चलाया तो हीट के कारण जो है वो शटल ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपका होता है हाइपरसोनिक वेपन्स को बनाने में, वो ये कि आप ऐसा मटेरियल बनाएं जो कि हज़ारों डिग्रीज के टेम्परेचर को जो है झेल सके। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने जो है ये काम कर लिया है। उन्होंने ऐसा हीट रेजिस्टेंस स्टेल्थ मटेरियल बना लिया है जो कि 2200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी काम कर सकता है, वो जलेगा नहीं उस टेम्परेचर पर। दूसरा चैलेंज जो सामने आता है वो है प्रपल्शन सिस्टम का। प्रपल्शन सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि फ्यूल को बर्न करने के लिए जो है एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो चाहे रॉकेट हो या मिसाइल हो, उसमें जो है जो फ्यूल बर्न होता है उसको वो ऑक्सीजन या एयर सप्लाई के ऊपर जो है बर्न होता है। अब जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं किसी भी डिवाइस की, मिसाइल की, तो होता क्या है, आपको उस फ्यूल सिस्टम की भी स्पीड बढ़ानी होती है, आपको एयर सप्लाई जो है उसी स्पीड में बढ़ानी होती है। तो सुपरसोनिक में जो है आपको स्पीड जो है एयर फ्लो की और ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। अब जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम बने हुए हैं अब तक, वो जो है उस स्पीड से एयर सप्लाई नहीं कर सकते जो कि हाइपरसोनिक वेपन्स में चाहिए होती है। इनके लिए जो है एक नए तरह का प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ होता है जिसको बोला जाता है सुपरसोनिक कम्बशन रैमजेट, जिसको शॉर्ट में स्क्रैमजेट बोला जाता है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, शॉक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एयर को कंप्रेस कर देती हैं पहले, और फिर इस कंप्रेस एयर को जब रिलीज़ किया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से रिलीज़ होती है, और यही जो है एक रिक्वायर्ड फ्यूल सप्लाई जो है मेंटेन कर पाती है एक हाइपरसोनिक वेपन्स के अंदर। अगला चैलेंज जो होता है वो होता है एरोडायनामिक्स का। तो एक नॉर्मल शेप वाली मिसाइल हो या रॉकेट हो, उसको अगर आपको गाइड करना है, कंट्रोल करना है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक वेपन्स में क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो उनको गाइड करना, कंट्रोल करना जो है मुश्किल काम होता है। तो इनका जो डिज़ाइन होता है वो एरोडायनामिकली काफ़ी अलग होता है एक नॉर्मल मिसाइल सिस्टम के मुकाबले। तो जो है हाइपरसोनिक सिस्टम्स में जो है इस तरह का डिज़ाइन जो है कुछ इस्तेमाल होता है, ये जो है नॉर्मल सर्कुलर शेप से जो है काफ़ी अलग है। तो दो तरह के वेपन्स जो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बेस पर जो है बनाए जा रहे हैं, एक तो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है तो ये लगभग अपने टारगेट्स पर जो है 6 मिनट के अंदर ही पहुँच जाता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स में, खासतौर पे MIVR वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल करने के लिए जो है बनाया जा रहा है, ये जो है रॉकेट के ऊपर जो है रखा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई इंजन की ज़रूरत नहीं होती, इसका डिज़ाइन जो है इस तरह का होता है जो कि इसको हाईली मनूवरेबल बना देता है, और ये जो है ये ग्लाइड करता हुआ जाता है, कोई स्पेसिफिक
ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करता है अपने टारगेट को, टारगेट तक पहुंचने के लिए, और यही चीज़ जो है इसको एक तरह से जो है रोबस्ट बना देता है, स्टेल्थ बना देता है। तो अभी तक जो भी नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम बनाए गए हैं वो हाइपरसोनिक वेपन्स के सामने जो है यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जब आपके रेडार्स आपको वॉर्न करेंगे कि कोई मिसाइल आ रही है तो आपके पास रिएक्शन करने का टाइम जो है ना के बराबर होता है। दूसरी समस्या यह है कि हाइपरसोनिक वेपन्स जो है नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल हो या दूसरी तरह की मिसाइल हो, जो कि मोमेंटम और ग्रेविटी के नियम को फॉलो करते हुए एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्टरी में ही मूव करती है, हाइपरसोनिक वेपन्स जो है कोई फिक्स पाथ फॉलो नहीं करते हैं। तो एक हाई मनूवरेबिलिटी और स्पीड जो है इनको अनडिटेक्टेबल जैसा बना देते हैं। तो आज के कोई भी जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो हाइपरसोनिक वेपन्स सिस्टम के आगे जो है बेकार हो जाते हैं। एक और स्पेशल बात हो जाती है इन हाइपरसोनिक वेपन्स की, वो ये कि इनमें एक्सप्लोजिव्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये इतनी ज़्यादा स्पीड पर काम करते हैं, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं कि यही सफिशिएंट होती है अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जितने भी हाइपरसोनिक वेपन्स पे काम हो रहा है उनमें से मैक्सिमम में जो है कोई वारहेड की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जो है अपनी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी से ही जो है ये अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। अब ये हाइपरसोनिक वेपन्स जो है दुनिया की शांति के लिए जो है काफ़ी बड़ा खतरा माने जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई एयर डिफेंस सिस्टम जो है इनके सामने काम नहीं करेंगे, हार्डली 6 मिनट के अंदर जो है अपने टारगेट्स को ये हिट कर लेते हैं, तो रिएक्शन करने का टाइम जो है नहीं होता है, दूसरा देश जो है सेकेंड स्ट्राइक कर पाए, जवाबी कार्रवाई कर पाए, इसके चांसेस जो है काफ़ी कम रहते हैं, और यही चीज़ जो है एक एक्सीडेंटल वारफेयर के चांसेस को बढ़ा देता है। एक्सीडेंटल वारफेयर यानी कि अगर किसी दूसरे देश को लग रहा है कि कोई देश जो है हम पर हमला कर सकता है हाइपरसोनिक वेपन से, और अगर ये सिर्फ अफवाह मात्र भी हो तो भी वो जो है हमला होने से पहले हमला कर सकता है, क्योंकि उसको डर है, वो ये जानता है कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है लिमिटेड रहेगी। और ऐसी टेक्नोलॉजी अगर कोई गैर जिम्मेदार देशों के हाथ में आती है या टेररिस्ट के हाथ में आती है तो ये जो है काफ़ी बुरी बात हो सकती है, दुनिया के लिए जो है ये बड़ा ख़तरा हो सकती है। तो इसको जो है इस टेक्नोलॉजी को जो है दुनिया की शांति के लिए जो है एक बहुत बड़ा ख़तरा माना जा रहा है, और इसीलिए जो है बात की जा रही है एक हाइपरसोनिक नॉन प्रोफाइलेशन के ऊपर, जैसा कि एक न्यूक्लियर नॉन प्रोफाइलेशन है यानी कि सिर्फ सेलेक्टेड देश जो है वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रख सकते हैं और कोई दूसरा बनाता है तो उसको बनाने से रोकने के लिए प्रयास होते हैं, बैन लगते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वैसा ही कुछ जो है हाइपरसोनिक नॉन प्रोफाइलेशन के लिए जो है करने की बातें हो रही हैं। इनमें जो है प्रमुख देश जो हैं वो है रशिया, चाइना और यूएस, ये बात कर रहे हैं एक ट्राईलेटरल एग्रीमेंट की, और इस एग्रीमेंट के तहत जो है जिन देशों ने बना ली अभी तक सिर्फ वही जो है इस टेक्नोलॉजी को बना पाएंगे, कोई दूसरा देश जो है इसको नहीं बनाएगा, इस पर इसको जो है वो प्रतिबंधित करेंगे यूएन में रेजोल्यूशन पास करवा के, और साथ में कोई देश जो है किसी दूसरे देश को इससे रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी ना बेचे, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो अगर ऐसी चीज़ हो उससे पहले जो है हमें इसको डेवलप करना पड़ेगा, अगर हम जो है डेवलप नहीं कर पाते हैं और इस तरह के एग्रीमेंट हो जाते हैं बाद में बैन लग जाते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो हमको जो है इसको जल्दी डेवलप करने की ज़रूरत है, और हम जो है काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन अभी भी थोड़ा पीछे हैं। तो ये रही हाइपरसोनिक वेपन्स के बारे में बात, अभी के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, और आप चाहें तो मुझे फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।